नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज टीवी। आजाद न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पहुंचे गांव शांगण जो डिस्ट्रिक्ट कैथल में पड़ता है। दोस्तों, हम यहां सरपंच द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा चैनल का उद्देश्य है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा चैनल का उद्देश्य है समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करना और जो समाज की समस्याएं हैं उनको सरकार के सामने रखना है। और चलो दोस्तों, हम यहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनसे सरपंच के बारे में जो सरपंच द्वारा कार्य किए गए हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हम चलते हैं। दोस्तों, ये शांगणवासी है जो यहाँ के लोग हैं और इनके बारे में इनसे हम बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि सरपंच ने क्या क्या कार्य किए हैं। और चलो हम चलते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है? कुलदीप है। सर, जो सरपंच द्वारा अपने गांव में काम कराए जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसे है, गांव के लोग संतुष्ट हैं। अब लास्ट में आके थोड़ा बहुत ये देख रहे हैं आपके काम करवाया है, लेकिन पहले लड़ाई झगड़े में हुई है इसकी, और इससे बढ़िया तो हुई है बहुत बढ़िया काम कराया। हर एक मंदिर में करवाई गई, जिम ले आके आए तो बढ़िया काम किए। दोस्तों, इनका कहना है कि जो कार्य सरपंच ने करवाना था वो कार्य हमारे ब्लॉक समिति मेंबर जी है रणधीर जी, उन्होंने करवाया, और जो भी सरपंच द्वारा कार्य किया गया है वो अधूरा है। आज तक गांव में पंचायत को हो गए कम से कम 4 साल, लेकिन कोई भी कार्य पूर्ण नहीं है। और चलो दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं शांगण गांव के कोऑपरेटिव बैंक में और यहां के लोगों से बातचीत करते हैं। ताऊ जी, पहले तो हमारे आजाद न्यूज चैनल की तरफ से आपको राम राम। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? गदर सिंह। ताऊ जी, जो गांव का सरपंच है सुरजीत सिंह, उनने अपने गांव में क्या क्या कार्य किए हैं? कुछ नहीं मार लड़ाई कर रहा। अच्छा। मैं नाला को पटाव जाता है वो। अच्छा। नाला वाला नींदे दिया। दोस्तों, हमारे ताऊ जी द्वारा कहा गया है कि गांव में नाले हैं, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब है। खराब है। कोई भी कार्य अगर कराते हैं तो वो पेंडिंग रहता है, लेकिन जो यहाँ के ब्लॉक समिति मेंबर है रणधीर जी, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हम और बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम? दारा सिंह। जो सरपंच द्वारा गांव में काम किए गए हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? कोई सहमत नहीं है। जरा बताइए सर, आप क्यों सहमत नहीं है? उरे देख लेना आई। काम नहीं कर रहा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गांव में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, और हमको आपको दिखाते हैं गांव का कोऑपरेटिव बैंक है, इसके हालात आप देख सकते हैं दोस्तों, कि यहां पेड़ पौधे अड़ंगा इतना है कि कोई किसी प्रकार की सफाई नहीं है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गांव का चार गांव का बैंक है, लेकिन प्रशासन द्वारा भी कोई यहां किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। आप देख सकते हो कि पूरा बैंक टूटा फूटा हुआ है और कितना अड़ंगा घास फूस ऐसे ही डला हुआ है। तो ये हम देख दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सरपंच द्वारा क्या क्या कार्य गांव में किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सरपंच से संतुष्ट नहीं है, जहां से भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ ना कुछ की कठिनाइयां सामने आती है। दोस्तों, आज हमने गांव शांगण में सरपंच सुरजीत से संबंधित बहुत सी जानकारी प्राप्त की। कोई भी व्यक्ति जो यहां के सरपंच है सुरजीत जी, उनके कार्य से सहमत नहीं है, हर एक व्यक्ति दुखी है। दोस्तों, मैं प्रशासन को अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस चीज़ पे जरा गौर किया जाए, और जो गांव शांगण में समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। और जो भी हमारे दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।